हियर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं और मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल आईडी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट एवर जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन, दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस, जो लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने लगाया तुक्का सही हो गया, आर्टिकल 1-2 तो काफ़ी डिफरेंट है इंडियन आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो कोई नहीं, तुक्का सही हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा आपने रीड किया था, देन वेरी गुड, पढ़ना चाहिए है ना, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ है ना, वो सब पढ़ लिया करो। और स्पेशली ये सब पढ़ लेना क्योंकि ज़रूरी नहीं केवल जो आर्टिकल आए हमारे एग्जाम में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, ओके, यूनाइटेड नेशन चार्टर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वन सेकंड, लेट मी अलाउ दिस पीपल। मैंने अनिल का आंसर देख के कॉपी किया, बहुत बढ़िया अनिल, वहाँ एग्जाम में तो बैठेगा नहीं साथ में है ना, आपको अलग से एग्जाम देना है, वहाँ कॉपी भी नहीं कर सकते। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। और सबसे लास्ट में आंसर देना अनिल तुम है ना, नहीं सब लोग कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दीजिए। यहाँ पर एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल थ्योरी, उसके कुछ यहाँ पर स्टेज दिए गए हैं, टोटल कितने स्टेज हैं बताइए, और उसमें से ये इनमें कौन सा सही क्रम में लगा हुआ है, अरेंज द कन्फ्लिक्ट एज पर द लाइफ स्टेजेस। हाँ बिल्कुल, 8 स्टेज हैं, करेक्ट है, और ओके इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट क्या है, इसमें आपको सही क्रम में लगाना है, अरेंज करना है सिक्वेंस में, करेक्ट तो सभी होंगे। पहली स्टेज आती है बिल्कुल ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, जब बच्चा छोटा होता है जन्म से लेकर है ना, तो पहला तो आपका करेक्ट है, सही क्रम में लगा हुआ, मतलब आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये वाले। अब देखिए सेकंड पे आइए कौन सा होगा। दूसरा फिर आता है स्टेज आपका ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट वाला, बच्चे को अगर ऑटोनॉमी मिलती है तो सीखता है समझता है, नहीं तो उसके अंदर एक सेम और डाउट की भावना अंदर रहती है, क्योंकि बच्चे को बेसिक ट्रेनिंग सिखाई जाती है उस टाइम पर है ना, तो आपका पहले सी आ जाएगा, ऑटोनॉमी वर्सेज ट्रस्ट, तो ये ही ऑप्शन है यहाँ पर, केवल सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके अभी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग गलत हो गए हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है, आप बोलते जाइए, पहला ट्रस्ट, वन सेकंड, कोई वेट कर रहा है क्लास के लिए, वन सेकंड। नंबर वन, ऐसे नहीं, नंबर वन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ओके सेकंड कौन सा है, नंबर डालते जाइए उसमें, ओके सेकंड वाला कौन सा है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, यस डाउट एंड सेम। तीसरा कौन सा होगा, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है बच्चा जब स्कूल जाता है, वर्सेस गिल्ट, घर पर रहता है तब भी, जैसे कि खुद के कपड़े पहनना, खुद के कपड़े बदलना, शूज पहनना, कोशिश करता है वो खुद काम करने का है ना, देखा होगा अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं झाड़ू मारना स्टार्ट कर देते हैं कमरे में रूम में, वो खुद कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब होता है इंडस्ट्रियस, पढ़ाकू, पढ़ाकू मतलब कोई भी काम करने वाला, केवल स्टडी करने वाला नहीं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी हाँ। उसके बाद फिफ्थ नंबर कौन सा आएगा, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, ओके कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है बेसिकली, उनको किस स्ट्रीम को ज्वाइन करना है, किस सब्जेक्ट को चूज करना है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जीवन में, और कुछ लोगों का जो है विजन क्लियर होता है कि हमको ये करना है, ये कोर्स करना है, आगे ये करना है, आगे फ्यूचर में ये काम करना है,
तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज उनसे पहले वाला जो फोर्थ स्टेज होता है जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, उसको उन्होंने सही से परफॉर्म नहीं किया होता है, तो ओके हाँ रोल कन्फ्यूजन रहता है, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स नंबर क्या होगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके इस स्टेज में लोग बेहतर रिलेशन बनाते हैं। ओके अगर पहले वाले स्टेज को सही से परफॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट वाला स्टेज भी सही से परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं तो एक आइसोलेशन रहता है, अकेलापन रहता है, बेहतर रिश्ते नहीं होते, सोशल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, लोगों के बीच में रिलेशन फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं बनता है इस प्रकार से, तो अदरवाइज आइसोलेशन होता है। सेवन नंबर कौन सा होगा, हाँ जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके और नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, बिल्कुल करेक्ट है आठवां, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये आपके टोटल आठ स्टेज हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ ईगो डिस्पेयर, इंटीमेसी वर्सेस डिस्पेयर, इंटीमेसी नहीं इंटीग्रिटी होगा वो, इंटीमेसी नहीं है इंटीग्रिटी है। ओके सो दीज आर द टोटल एट स्टेज ऑफ एरर करेक्शन थ्योरी, सोशल साइको सोशल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट अकॉर्डिंग, इनको सही क्रम में लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जुबेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, जेजे एक्ट है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, पॉस्को एक्ट। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है तो याद कर लेना है ना ये सब। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए सभी लोग। देखो जुबेनाइल जस्टिस एक्ट तो बाद में आया ना, अभी मतलब बहुत काफी अभी आया ही बोल सकते हैं, इससे पहले बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, नार्कोटिक डिटेक्शन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो अमेंड होते रहते हैं बार बार ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेजेंट टाइम में जो एक्ट आपको दिख रहा है वो अभी है, वो हो सकता है पुराना एक्ट हो उसमें अमेंडमेंट हुए होंगे। ओके तो जनरली शुरुआत की जो ईयर होती है जब एक्ट लाया जाता है उस टाइम को देखा जाता है। कौन सा करेक्ट होगा, आप सब लोग आंसर दीजिए, ऑफेंडर एक्ट, जे जे एक्ट 2000, हाँ बिल्कुल 2000 भी है, 2015 भी है, 2020 भी है, शायद अभी आया हुआ है ना इसके अंदर, जे जे एक्ट में बदलाव हुआ है। नार्कोटिक 1985, एनडीपीएस एक्ट, जे जे एक्ट आपका 2000 है, एंड प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कब आया, 1958। ओके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस पॉस्को एक्ट 2012। ओके ये आपका देख लीजिए, सी आएगा पहले, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, हाँ तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ये एक्ट का लिस्ट मैंने दिया हुआ है, उसको देख लेना पढ़ लेना अच्छे से, उसमें कोई एक्ट गलत लिखा था क्या, आई थिंक मैंने ग्रुप में देखा था किसी ने शेयर किया था। ओके किसी एक्ट उसका ईयर गलत लिखा था आई थिंक, एक बार गलत मुझे बता दीजिए मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। हाँ क्योंकि सब जितना भी मैंने कंटेंट दिया हुआ है ना मैंने खुद लिख करके उसको दिया है, तो कभी इधर उधर हो जाता है, ऐसे कोशिश मैंने किया है कि सब कुछ करेक्ट हो लेकिन कहीं अगर ह्यूमन एरर हो जाती है। तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर, सही क्रम में आपको सही सिक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग,
जब प्लानिंग की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो क्या क्या होता है शुरुआत में? बहुत सिंपल है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। पहले तैयारी होगी, ओके, प्रिपरेशन, उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी, ओके, फिर आपका आएगा मिटिगेशन। तो आपका पहला कौन सा हो जाएगा आंसर? बी सी डी ए, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक कभी, थोड़ा बहुत मुझे याद है, यहाँ पर माइक्रो सिस्टम या थ्योरी में डिस्कस किया होगा, माइक्रो सिस्टम के बारे में पढ़ा था, क्रोमो सिस्टम, वीजो सिस्टम। इसको अभी सर आपको अरेंज करना है सही क्रम में। ओके, माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट। देखो माइक्रो, माइक्रो सबसे छोटा इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट जहाँ पर इंडिविजुअल रहता है। ओके, जैसे फैमिली है, पीयर ग्रुप्स है, टीचर है, नेबरहुड है, ये आपके कहलाएंगे इमीडिएट एनवायरनमेंट। ओके, नीचे है मान लो कोई बच्चा है, चाइल्ड है, उसके बाद आएगा आपका माइक्रो, फिर आपका मीजो। ऑप्शन में कोई गड़बड़ी लग रही है हमको, एक्सो आएगा, ये तो ठीक है, फिर आएगा आपका मैक्रो, ये भी ठीक है, लास्ट में आएगा आपका क्रोनो। तो कहाँ गड़बड़ है? ये सी तो देखिए, पहले माइक्रो आएगा तो सी तो आएगा ही आएगा। आई थिंक यहाँ कुछ शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना, तभी नहीं आ रहा है वो सही से आंसर। उसके बाद आपका मैक्रो के बाद मेजो आएगा, हाँ ठीक है, इसमें वो भी सी के बाद आपका आ जाएगा ई, देन ए आएगा, फिर आएगा आपका मैक्रो बी, उसके बाद आएगा क्रोनो ई डी। ये क्रम है, तो इसमें कहाँ कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं है। ओके, किसी के पास पेपर है ये वाला? पेपर में क्या ऑप्शन दिए गए हैं? हो सकता है मैंने ये ऑप्शन गलत लिख दिए हो, क्योंकि टाइप तो हमें को करना पड़ता है पूरा। सर ये फोर्थ लो होगा, जस्ट ऑप्शन मिस्टेक है, हाँ कुछ ऑप्शन मिस्टेक। ओके ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ से एक फिफ्थ ऑप्शन डाल देते हैं ये वाला। ओके, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये जो है डायग्राम, माइक्रो सबसे छोटा होता है, उसके बाद मीजो, उसके बाद इमीडिएट आएगा एक्सो, जैसे कि टीचर हुए, पेरेंट्स हैं, ओके, उनके बीच में इंट्रैक्शन जो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सो सोशल सेटिंग जहाँ पर बच्चे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर आपका मैक्रो बड़ी स्केल पे होता है, क्रोनो लास्ट में होगा। नो सर, सर फोर्थ होगा, जस्ट ऑप्शन मिस्टेक है, अनिल कुमार साहू, है ना, ये डायग्राम ये लिख लीजिए, बना लीजिए, याद कर लीजिए, ये डायग्राम उसी में दिया हुआ है आर्टिकल में। एक मिनट, इस आर्टिकल को तीनों ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़े, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 80। इसमें किसी को डाउट है कोई? ओके, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन को पढ़िए, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ एचएच पर्लमैन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? एक मिनट रुको, क्या आएगा? ये डाउट हो गया है अभी, किसमें क्या आएगा? नहीं नहीं किसमें क्यों नहीं, 79 का जो है जिसके द्वारा वो थ्योरी दी गई है उसको सर टेलीग्राम में भेजा है मैंने ऑप्शन, शायद टाइपिंग मिस्टेक।
हाँ वो ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा राइट। हाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग आर्टिकल पढ़ लेना, ग्रुप में शायद वो भेजा नहीं होगा, मैं सब फॉरवर्ड कर देता हूँ सबको, है ना। एक मिनट अभी क्वेश्चन पे फोकस करिए। ओके पर्सन प्रॉब्लम प्लेस प्रोसेस। ओके हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसको आपको अरेंज करना है सही क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जितने भी लॉ है दैट इज रिलेटेड टू बीमन, डोरी प्रोविजन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीमन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर बीमन, इक्वल रिमुनरेशन एक्ट एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बताइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन बोलिए, पहला वाला क्या एक्ट ईयर है? एटी वन का डी, 81 का ए आर है, कुछ लोगों का 1961। उसके बाद सेकंड वाले का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बीमन एक्ट। हाँ करेक्ट है, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 करेक्ट है। सेकंड वाला बताइए, 1986 करेक्ट है। तीसरा नेशनल बी कमीशन फॉर बीमन एक्ट कब बनाया गया, इसको ईयर बताइए आप लोग। नाइनटीन नाइनटी टू नहीं हो, 1990 आई थिंक, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। और एनीबॉडी, हाँ ओके 1990 है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया? ये नेशनल कमीशन वीमेन वाज सेटअप एंड स्टैचुटरी बॉडी 1992 भी है, एंड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। ठीक है, 1990 में आपका ये एक्ट आया था, उसके बाद फिर जो है कमीशन बनाया गया था 1992 में। ओके 1992 में कमीशन गठित हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर वीमन, दिस इज द एक्ट। एक्ट केम इन 1990, देन लेटर नेशनल कमीशन फॉर वीमन भाजपा जो कमीशन बनाई गई थी वो आपकी बाद में बनी 1992 में। ओके ये एक्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। हाँ करेक्ट है, ये आपका 1971 होगा। तो कौन सा सही सीक्वेंस होगा? पहले आएगा आपका ए, उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी, उसके बाद ये कहीं पर मिस हो गया ना, इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976। ओके ए, उसके बाद आएगा आपका ई, नेक्स्ट डी, बी और सी, यही सीक्वेंस है ना। पहला वाला आंसर करेक्ट होगा, है ना। हाँ ठीक है, करेक्ट है, ये ईयर याद कर लेना। ओके कमीशन को बनाया गया था 1992 में, ये एक्ट आया था आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमन एक्ट दैट इज इन 1990। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इसको सही क्रम में लगाना है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसका जो फीचर दिए गए हैं उसको सही क्रम में लगाना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
एस थ्री डी आर। अब जो एस थ्री है वो कौन कौन से है बताइए, पहले क्या आएगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, क्या? पहला है आपका, पहले आपका आपका सोवरेन है ना, नेक्स्ट आपका सोशलिस्ट, नेक्स्ट आपका सेकुलर, देन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही सही क्रम है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, ए सी बी डी ई। ओके, तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ये तो सिंपल ही है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है वो स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। वन सेकंड गाइज, आप इसका आंसर दीजिए जब तक मैं लैपटॉप का चार्जर लगा देता हूँ। कुछ लोग 80, 81 का आंसर दे रहे हैं, 83 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, तो आपका पहले ऑप्शन नंबर सी जो है और फोर्थ है, ये तो खत्म हो जाएगा, समस्या होगी तभी तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। ओके, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता नहीं है स्टडी किस पे करना है, तो हाइपोथेसिस कहाँ पर बनाएंगे, तो परिकल्पना बनाते हैं, कुछ होना चाहिए ना, या तो थ्योरी होनी चाहिए या फिर प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आपका ये आ जाएगा पहले, उसके बाद आपका हाइपोथेसिस बनाना, रिसर्च डिजाइन करना, कलेक्टिंग डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन, दोनों में कॉमन है। ओके, उसके बाद आएगा प्रॉब्लम, के बाद आता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करते हैं कि आपकी स्टडी कैसे होने वाली, किस प्रकार की स्टडी करेंगे। तो आई थिंक ये सही क्रम में लगा हुआ है ना, ए बी सी डी ई, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? देखिए, रिसर्च डिजाइन बाद में बनता है ना, पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे जहाँ पर पहले प्रॉब्लम देखते थे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते थे उसके रिगार्डिंग। ओके, फिर हम उसके ऊपर जब हाइपोथेसिस बना लेंगे, फिर हम मेथोलॉजी क्लियर करते हैं कि क्या मेथोलॉजी होगी। ओके, उसके रिगार्डिंग, तो आपका सही क्रम हो जाएगा ए बी सी डी, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीरियली, आपको सही क्रम में लगाना है, सीरियल में, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, नो पॉवर्टी, छोटा होगा, क्वालिटी एजुकेशन। टोटल कितने गोल हैं एसडीजी गोल? सेवनटीन गोल है। ओके, इसका आंसर दीजिए। वन सिक्सटी नाइन टारगेट। ओके, पहला गोल कौन सा है, गोल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं।
ओके, पहला आपका हो गया नो पॉवर्टी, ओके। सेकंड कौन सा है? जीरो हंगर, ओके, भुखमरी खत्म करना है। तीसरा नंबर होगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, ओके, स्वास्थ्य हेल्थ पर फोकस करना है, वेलबींग फोकस करना है। फोर्थ नंबर कौन सा होगा? अच्छी शिक्षा देना है, क्वालिटी एजुकेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। फिफ्थ नंबर कौन सा है? जेंडर क्वालिटी पर फोकस करना है, ओके। सिक्स्थ नंबर कौन सा होगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंश्योर करना है सभी को। सेवेंथ नंबर कौन सा होगा? क्लीन एनर्जी, ज्यादा उस पर ज्यादा जल बल देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओ हो। ये क्या हो गया? वन सेकेंड, हाँ ओके, कोई बात नहीं, बंद हो गया, अभी बंद हो गया, अभी दिख रहा है। अभी वीडियो शो हो रहा है, ओके ओके। हम लोग थे कहाँ पर? सेवन नंबर, क्लीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है आपकी, वो आ जाएगा इसके अंदर, बाइंड एनर्जी है। एट नंबर क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, डिसेंट वर्क। नाइन्थ नंबर क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। टेंथ गोल नंबर कौन सा है? समाज के अंदर इनइक्वालिटी जो है उसको कम करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। इलेवन नंबर सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करना है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्वेल्व नंबर गोल कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, मतलब जितना जरूरत है उतना ही उसका प्रोड्यूस करना, उतना ही कंजम्पशन करना है, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है रिसोर्सेज का, ओके, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है थर्टीन नंबर क्लाइमेट एक्शन, फोर्टीन नंबर, फिफ्टीन, सिक्सटीन और सेवनटीन, बताइए फोर्टीन नंबर कौन सा होगा? एक्वेटिक लाइफ को बचाना है, जो मरीन लाइफ, ओके, लाइफ बिलो वाटर, उसको प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है, उसका भी ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है 16, 15 नंबर लाइफ ऑन लैंड, ओके, बिल्कुल किसी ने पूरा पोस्ट कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्या होगा आपका? पीस एंड जस्टिस। लास्ट होगा पार्टनरशिप, ये आपके 17 हो गए। सब तो याद कर लेना है आपको, जितने याद हो पाए उतने कर लेना, शुरुआत के कम से कम जो इम्पोर्टेंट है। ओके, आज ही रटी हुई, बिल्कुल रटना है, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको रटना ही होता है, ठीक है, यही तरीका होता है एग्जाम क्लियर करने का। सब लोग शाबाशी दे दो, ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से रटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द हायरार्की ऑफ नीड्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, सही क्रम में आपको लगाना है। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, 85। अभी पांच क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। देखिए मॉर्निंग क्लास अभी फिलहाल एक दिन और नहीं हो पाएगा, तबीयत एकदम ठीक नहीं हो रहा, बोला नहीं जा रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मॉर्निंग में अभी एक दिन और रुक जाइए, फिर क्लास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का क्या आंसर होगा? बी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका बायोलॉजी, जो सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ओके, तो पहले बी आएगा, बी केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
और सेल्फ एक्सेलरेशन लास्ट में आता है, तो जहाँ जहाँ लास्ट वाला है वो वाला आप देख सकते हैं, बाकी हेलमेट कर सकते हैं ऑप्शन, तो ऐसे करके आप बी ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर ये जो है असेसरीज इन क्वेश्चन है, बाकी चार पांच क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ओके 86 का आंसर दीजिए। बहुत सिंपल आंसर इसका आंसर होगा, एसएससी में दिया गया है, दो स्टेटमेंट में, एडोलेसेंट डू नॉट हैव हाई रिस्क बिहेवियर, बिल्कुल गलत है। इसी एज में सबसे ज़्यादा जो है रिस्क होता है बिहेवियर पर, बिहेवियर बदल सकता है, चेंज हो सकता है, जिस प्रकार से अगर मोल्ड किया जाए तो आसानी से बदला जा सकता है, तो हाई रिस्क होती है एडोलेसेंट एज में। पहला वाला कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, पहला इनकरेक्ट है, फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है एडोलेसेंट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, जैसे मैंने बताया कि ये जो स्टेज होती है इसी में सबसे ज्यादा विकास होता है, शारीरिक विकास, ओके मानसिक विकास, बायोलॉजिकल, ओके डेवलपमेंट होता है, तो इसी स्टेज में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, तो फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, रिस्क होगा तभी डेवलपमेंट होगा। हाँ हर एक स्टेज में डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये जो स्टेज होती है इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, राइट, बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, तो रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 87, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन ऑफ मैनिफेस, मैनिफेस का मतलब क्या है, कि सोशल वर्क हेल्थ केयर सेक्टर में होता है, राइट, इसके अलावा जैसे कि जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं उनको बचाने के लिए रिफ्यूजी एडवोकेसी करना, राइट, इस प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस इंश्योर किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, डिसेबिलिटी सर्विस दी जाती है, मेंटल सर्विस दी जाती है मेंटल हेल्थ पर्सन के लिए, तो इसका बोल सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी डायमेंशनल है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। फिर और दूसरा देश में दिया गया है सोशल वर्कर प्रैक्टिस है ना वेरिड सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं, तो करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है आपका, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट वन सेकेंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जुड़ा हुआ है, चूंकि प्रैक्टिस और प्रोफेशन आपस में जुड़े होते हैं, तो वी कैन से दैट द आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कॉन्टेजन थ्योरी एज्यूम दैट इंडिविजुअल्स एक्ट एरर।